saiyo. भाई कुछ काम दे दो, दो दिन से कुछ खाया नहीं। कुछ काम नहीं है मेरे पास भाई। या कोई काम मिलेगा? नहीं बाबा, कोई काम नहीं अभी यहाँ पे। मुझे नहीं लगता कोई काम मिलेगा। जब साई ने मदद नहीं की तो फिर कौन मदद करेगा? तो मैं ये कह रहा था कि बच्चे बहुत पटेल साहब, गलती हो गई। अरे नहीं, कोई बात नहीं, मेरी गलती है। चलिए काका। प्रणाम पटेल जी। प्रणाम प्रणाम, कैसे हैं आप? ठीक है। तबीयत तो ठीक है? हाँ, दवाई चल रही है, है ना? दो हम चले भी गए तो पाटिल साहब को कौन सा फर्क पड़ने वाला है? वैसे भी तो जमीन पे गिरा मिला मुझे। लेकिन हम तो पाटिल साहब के हैं और साईं ने कहा था किसी का हक मत लेना। पाटिल साहब। सरजू क्या हुआ? वो आपकी थैली से आम गिर गए थे। अरे शुक्रिया, मेरा ध्यान ही नहीं रहा। लेकिन सरजू तुम इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? क्या हुआ? क्या बताएं पाटिल साहब, दो दिन से काम की तलाश में भटक भटक के थक गया हूं। तुम्हें काम चाहिए? हाँ। तो फिर पहले ही मुझे आकर क्यों नहीं मिले? वैसे भी तात्या मुझे कह रहा था कि सब्जी नगर ले जाने के लिए उसे किसी आदमी की आवश्यकता है। मैं उससे बात करके रखता हूं, कल सुबह काम पर आ जाना। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, कल सुबह आ जाना। हाँ चलिए काका, चलिए। मतलब साईं मेरी मदद कर रहे थे, काम मिल गया मुझे,
अब जल्दी से साई को सूचित करता हूँ। लीजिए। दोपहर का वक्त हो गया है, सभी भक्तों से कह दो कि मंदिर बंद होने का समय हो गया। लेकिन पंडित जी, मंदिर तो हमेशा खुला रहता है। अब नहीं रहेगा, जाओ जाके कह दो। सुनिए सब लोग, मंदिर बंद होने का समय हो गया है, आप सभी लोग अपने अपने घर जाइए। लेकिन हम तो यहां बैठना चाहते हैं, समय बिताना चाहते हैं। पंडित जी का आदेश है, अब दोपहर में मंदिर बंद रहेगा। मंदिर बंद कैसे हो सकता है? मैं यहीं पास में काम करता हूं, दोपहर में यहां बैठकर आराम करता हूं और यहीं से काम पे जाता हूं। सालों से मेरा यही नियम है। और हम लोगों का क्या? हम कब से पूजा के लिए अपनी बारी आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ देखिए, आज तक इस मंदिर में जो कुछ होता रहा वो गलत था, नियमों के विरुद्ध था, किंतु अब सब कुछ नियम के अनुसार होगा। आज से दोपहर में एक प्रहर के लिए मंदिर बंद रहेगा। आप लोग अभी जाइए, दोपहर के बाद आइए। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? सालों से इस मंदिर के द्वार हर किसी के लिए खुले रहे हैं, नए पुजारी जी इस तरह नियम कैसे बदल सकते हैं? नियम नियम होता है और उसका पालन सबको करना पड़ता है। जाइए आप। पंडित जी, शायद आपको पता नहीं है, हमारे शिरडी में मंदिर बंद नहीं होते। मैं जो कुछ कर रहा हूं आप लोगों के भले के लिए कर रहा हूं, शिरडी के भले के लिए कर रहा हूं। आप लोगों को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है इसलिए बताता हूं। दोपहर में मंदिर बंद क्यों रहना चाहिए इसका तर्क बताता हूं। जिस तरह मनुष्य को विश्राम की जरूरत होती है, उसी तरह भगवान को भी विश्राम की जरूरत होती है। जिस तरह मनुष्य अपने कामकाज के लिए उसकी दिनचर्या निश्चित करता है, उसी तरह भगवान की पूजा पाठ उसके विश्राम का समय सुनिश्चित होता है। लेकिन हम क्या सोचने लगते हैं? हम तो अपनी सुविधा देखेंगे, जब मन में आएगा तब दर्शन करेंगे। ऐसा नहीं होता। भक्त भगवान की प्रतीक्षा करता है, भगवान भक्त की नहीं। इसलिए हमारी दिनचर्या भगवान की सुविधा अनुसार निश्चित होनी चाहिए। हम दूसरी बार यहाँ आए हैं। आपने कहा था दूसरे लड्डू लेके आना, हम बाजार से वो भी लेकर आए। इस उम्र में हम फिर कैसे आ पाएंगे? हमारा चढ़ावा भगवान को चढ़ाकर हमारी पूजा तो करवा दीजिए। जी पंडित जी, इनका चढ़ावा चढ़ाकर इनकी पूजा संपन्न कर दीजिए। मैंने कहा ना, नहीं, भगवान से बढ़कर कोई नहीं होता। दोपहर हो चुकी है, अभी भगवान के विश्राम का समय है, आप लोग चलिए। मनोहर, साई कब खाना खिलाएंगे हमको? तू तो बर्तन से भाप निकलने की बात कर रहा था, पर मेरे हिसाब से अब तक तो खिचड़ी ठंडी भी हो गई होगी। हाँ।
यहां बड़ी देर कर दी, तो मुझे भी भूख लगाई है। मैं जाके बात करके आता हूं। हाँ, जा तू। साईं, साईं बहुत भूख लगी है मेरे दोस्तों को, क्या अब हम खिचड़ी खा सकते हैं? खिचड़ी पकने में थोड़ा वक्त और लगेगा। अच्छा, मैं धुनी में लकड़ी बढ़ा देता हूं। खिचड़ी पक चुकी है तो साई धुनी में लकड़ी क्यों डाल रहे हैं? अच्छा, मैं एक बार देख लेता हूं। खिचड़ी पकने में अभी थोड़ी देर है। आप तो कह रहे थे कि खिचड़ी पक रही है, लेकिन उसमें तो सारा सामान कच्चा है। जब तक पतीला आग के ऊपर नहीं चढ़ाएंगे तो वो पकेगी कैसे? क्यों नहीं पकेगी? धुनी में इतनी तेज आग जल तो रही है, उसी की ऊष्मा से पक जाएगी। भाऊ, इसमें समस्या क्या है? खंडोबा मंदिर भी खुला ही रहता है। महासभापति, तुम्हें तुम्हारा मंदिर जिस तरह चलाना है तुम चलाओ, किंतु मेरा मंदिर किस तरह चलाना है उसमें तुम्हें भी हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। मंदिर ये पूजा करने की जगह है, प्रार्थना करने की जगह है, ना कि घूमने फिरने या आराम करने की जगह है। इसलिए ये जरूरी है कि मंदिर को घुमक्कड़ों का अड्डा बनने से रोका जाए, बचाया जाए। क्षमा कीजिए पंडित जी, मैं देख रहा हूं कि जब से आप यहां आए हैं आपने इस मंदिर की व्यवस्था को ही बदलना शुरू कर दिया है। पहले तो आपने ये घेराबंदी लगा दी ताकि मूर्ति को कोई स्पर्श न कर सके। बाद में आपने कहा कि रोटी के लड्डू प्रसाद में अर्पण नहीं कर सकते, और अब आप कह रहे हैं कि दोपहर में मंदिर बंद रहेगा। पंडित जी, आपको ये भी समझना जरूरी है कि हनुमान का मंदिर हमारी शिरडी के लोगों की जिंदगी का एक हिस्सा है। दोपहर में लोग यहां आते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, हम शाम को यहां इकट्ठा होते हैं, भजन गाते हैं, और आपने तो एक ही दिन में हमें यह महसूस करवाना शुरू कर दिया है कि इस मंदिर पर हमारा, हमारे शिरडी के लोगों का कोई अधिकार ही नहीं है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं अपने भक्तों के लिए कभी भी कहीं भी आऊंगा, बस मेरा भक्त मुझे सच्चे दिल से पुकारे, मुझे याद करने के लिए या अपने पास बुलाने के लिए मुझे किसी अनुष्ठान की कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर हनुमान जी तो संकट मोचन है,
ये तो आधी हनुमान चालीसा पढ़ने से ही अपने भक्तों के संकट को दूर कर देते हैं। हनुमान जी स्वयं भगवान श्री राम की भक्ति में, उनकी सेवा में लगातार डूबे रहते हैं, ये तो समय नहीं देखते। फिर ये अपने भक्तों को अपने पास आने से क्यों रोकेंगे? क्यों ये अपने भक्तों से कहेंगे कि मुझे ये प्रसाद चाहिए वो प्रसाद नहीं, कोई मुझे इस समय याद करे उस समय नहीं? ये सब आप नहीं, आप लोगों का अहंकार बोल रहा है। हम सभी भगवान के सेवक हैं, सेवा करने से हमारे स्वामी पर हमारा अधिकार नहीं हो जाता, ना कि स्वामी के घर पर। ये आप कैसी बात कर रहे हैं साईं? जब तक पतीला आग के ऊपर नहीं होगा तब तक भला उसे आग की उष्मा कैसे मिलेगी? हाँ साईं, मनोहरा बिल्कुल सही कह रहा है। क्यों नहीं मिलेगी उष्मा? अगर एक इंसान दूर खड़ा होके केवल देख के आग की उष्मा ले सकता है, पकौड़ों को देखकर कल्पना करके उन्हें खा सकता है, ये महसूस कर सकता है कि पकौड़ों की गर्मी, उनकी ऊष्मा उसके शरीर में जा रही है, तो फिर इस धुनी की आग से ये खिचड़ी भी पक ही सकती है। यानी तूने इस आग से गर्मी ली और हमारे पकौड़े खाने की कल्पना करके अपनी भूख मिटाई। शर्त के मुताबिक तो तुम्हें कहीं से गर्मी या उष्मा नहीं लेनी थी, इसका मतलब तुम शर्त हार गए। चलो निकलो यहां से। साई, मुझे काम मिल गया। साई मुबारक हो। अंदर आओ। अगर आप किसी इंसान से शर्त लगाते और वो दी हुई चुनौती को पूरा करता है, तो आपको भी अपने वादे के अनुसार उसे वो चीज देनी चाहिए जो आपने देने के लिए कहा था। आप लोगों को सिर्फ एक वक्त का खाना नहीं मिला है और आप इतने परेशान हैं, भूख से व्याकुल हैं। क्या आपको उस इंसान की तकलीफ का अंदाजा है जिसने दो दिन से कुछ नहीं खाया है? क्या आप उसकी तकलीफ, उसकी पीड़ा का अंदाजा लगा सकते हैं? साई, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया। सरजू, तुम भी मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हें देने के लिए दो सोने के सिक्के तो नहीं, लेकिन उसके बराबर यह है। ये सोने की सिकड़ी है, इसे बेचकर तुम तब तक अपना गुजर बसर कर सकते हो जब तक तुम्हें नए काम की कमाई नहीं मिल जाती। शुक्रिया सेठ जी। अच्छा साईं, अब हम चलते हैं। खिचड़ी खाए बिना ही चले जाओगे? लेकिन साईं, खिचड़ी तो अभी कच्ची है।
जी साईं। तुम भी खिचड़ी खा के जाना। जी साईं। देखिए अनाचार छोड़िए, भगवान के प्रकोप से डरिए। क्यों उनका श्राप अपने ऊपर लेना चाहते हो? सबका मालिक एक। स्वामी की सेवा अगर डर से की जा रही हो तो इसका अर्थ यह है कि स्वामी क्रोधी है, अहंकारी है, और डर से की हुई सेवा कभी भक्ति नहीं हो सकती। गुलामी है ये। सच्ची सेवा तो वो है जिसका आधार प्रेम हो, पर प्रेम कभी भी नियम से संचालित कहां होता है? प्रेम अनुशासन नहीं, समर्पण है, स्वच्छंदता है, और प्रेम भक्त के भाव से परिभाषित होता है। रुको, रुको। पंडित जी, आप साई को रोक रहे हैं? पाटिल जी, ये बात तो हम सबको पता है कि मैले वस्त्रों में मंदिर में प्रवेश नहीं किया जाता। ये मैले वस्त्र पहना हुआ फकीर इस मंदिर में नहीं आ सकता। भक्ति में मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है पंडित जी, वस्त्रों की स्वच्छता नहीं। हमारे साईं ने तो हमें यही सिखाया है। पाटिल जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप तो गांव के पाटिल हैं, लोगों को समझाते हैं, लेकिन वेद और पुराणों के ज्ञाता को चुप करके, उसका विरोध करके आप एक फकीर का समर्थन कर रहे हैं। बेबस आज जी अजूबा, जो अपने पोते की मन्नत पूरी करने आए हैं उन्हें मंदिर के द्वार से लौटा दिया जाए, और वो भी केवल लड्डू और रोटी के लिए। किस शास्त्र में लिखा है ये सदाशिव जी? इस फकीर को रोटी के लड्डू के बारे में कैसे पता चला? ये तो यहां नहीं था उस समय। जरूर बाहर जाकर बुढ़ा बुढ़ी ने उसे शिकायत की होगी। बताइए। यही फर्क होता है शास्त्रों को पढ़ने में, समझने में और सुनने में। जो लोग शास्त्रों पर प्रश्न उठा रहे हैं उनसे तर्क वितर्क करने का समय नहीं है मेरे पास। मैं इस मंदिर का पुजारी हूं, यहां पर मेरे नियम चलेंगे। दोपहर में मंदिर बंद रहेगा, और तुम जो सिर्फ मैले कपड़े पहनते हो, तुम्हारे लिए इस मंदिर में प्रवेश वर्जित है। भाऊ, ये आप क्या कह रहे हैं? साईं का अपमान हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, और जहां साईं नहीं जाएंगे वहां हम भी नहीं जाएंगे। हाँ, जहां साई नहीं वहां हम नहीं। आज तक मेरा इतना अपमान कभी कहीं भी नहीं हुआ। मैं तो काशी प्रयाग जा रहा था अपने पिता की अस्थि विसर्जित करने के लिए, मगर मैं यहां आया इस गांव में, शिरडी में, इस मंदिर की सेवा करने के लिए, गांव की सेवा करने के लिए। आप लोग मुझे अपमानित कर रहे हो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज के बाद से पाटिल जी, श्रीकांत जी, मालसापति जी, चंदू या फिर कोई भी आपके नियमों में बाधा नहीं बनेगा। लेकिन साई, सदाशिव जी इस मंदिर के पुजारी हैं, इसलिए इन्हें पूरा अधिकार है, पूरा हक है कि ये मंदिर के नियमों को निर्धारित करें। और अगर सदाशिव जी नहीं चाहते हैं कि मैं मंदिर में प्रवेश करूं तो मैं नहीं आऊंगा मंदिर में। बाहर भीतर राम है,
नैनन का अभिराम, जित देखूं तित राम है, राम बिना नहीं ठाम। भगवान तो कण कण में है, हर जगह है। वो ईश्वर इस मंदिर तक सीमित नहीं है, वो तो पेड़ में है, पौधों में है, यहां तक कि बच्चों में भी है। शास्त्र भी यही कहते हैं ना सदाशिव जी, अगर हम भगवान का शुक्र अदा करना चाहते हैं तो कहीं भी कर सकते हैं। अगर सच्चे मन से ईश्वर को याद करेंगे, सच्चे मन से पूजा करेंगे, तो वो हमारी पूजा जरूर स्वीकार करेंगे। बिल्कुल सही कहा साई ने। हाँ। चलिए खंडोबा मंदिर चलते हैं, आखिर ईश्वर तो एक ही है ना। हाँ। शुरू शुरू में दिक्कत होगी, बाद में सब सीख जाएंगे। शाम को मेरे आने से पहले मंदिर की साफ सफाई करके रखना। कल शनिवार का दिन है, भगवान को भोग लगाने का दिन है, बड़ी संख्या में भक्तगण भी आएंगे। तुम अभी जाकर दुकानदार से प्रसाद बांटने के लिए पत्तल ले आओ। जी पंडित जी। ठीक है जी। चलो पंडित जी, पैसे? पैसे किस बात के? दुकानदार से कहो प्रसाद बांटने के लिए चाहिए। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। साईं, आपसे कुछ कहना था। बरसों से अपनी दुकान शुरू करने के पहले मैं आपको सब्जियां देते आया हूं। मैं सवेरे द्वारका माई गया था सब्जियां लेकर, परंतु आप वहां नहीं मिले। अच्छा हुआ आप यहां मिल गए। लीजिए सब्जियां स्वीकार कीजिए। धन्यवाद। प्रणाम साई। कैसी हो यमुना? ठीक हूँ साई। ये मेरी काकी है। कितना हुआ भैया? 12 आने ताई। जी। सुनंदा, क्या कर रही हो? जी जी। क्या सोचकर पैसे दे रही हो? जी जी। वो कल भोग लगना है ना, तो उसके लिए। वो मुझे दिख रहा है, लेकिन किस बात के पैसे दे रही हो? हमारे गांव में जब हम भोग के लिए सामान लाते थे तो क्या किसी दुकानदार को हमने कभी पैसे दिए? तो यहां क्यों देंगे? जी वो मुझे लगा के ये हमारा गांव नहीं है तो। जगह बदलने से धर्म नहीं बदलता सुनंदा, दक्षिणा पाना हमारा अधिकार है। भगवान को अर्पित करने के लिए ली हुई वस्तुओं के हम पैसे नहीं देते सुनंदा। ओ भाव, आप सब्जियां ले रहे हैं तो इसके पैसे तो देने पड़ेंगे ना। पंडित से पैसे लोगे? फलोगे कैसे? नरक में जाओगे, नरक में। आप इतने ज्ञानी हैं तो आपको पता होना चाहिए कि थोड़ा पैसा भी गरीब के लिए कितना मायने रखता है। क्यों मेरा नुकसान कर रहे हैं आप? अच्छा, मैंने लिया तो नुकसान हो गया, और इस फकीर ने लिया तो तुम्हारा नुकसान कहां गया? हैं? मैं भगवान की सेवा करने के लिए लेता हूं, और ये फकीर अपने लिए।
जो करता कुछ नहीं है, दिन भर घूमता रहता है, लोगों के काम में टांग अड़ाता है। काम का नाकाज का दुश्मन अनाज का। देखिए मेरा सामान है, मैं जिसे चाहे उसे दूं। और आप साईं के बारे में उल्टा सीधा मत बोलिए। साईं ने हम शिरडी वासियों के लिए क्या क्या किया है इतना कोई और नहीं कर सकता, और आप अपनी तुलना साईं से ना करें तो ही बेहतर है। मुझे गुस्सा दिखा रहा है, एक पंडित को डरा रहा है, इतनी हिम्मत तेरी? आओ। तुम समझते क्या हो खुद को? तुम जानते नहीं हो एक पुजारी में कितनी शक्ति होती है। वो दिन भर प्रभु की सेवा करते रहता है, प्रभु का वो प्रिय होता है। उसका अपमान करने वाले को भगवान कभी माफ नहीं करते। आपकी इन गीदड़ भक्तियों से मैं नहीं डरने वाला। आपके शास्त्र में क्या लिखा है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। आपने मुझसे सब्जियां ली हैं, इसके पैसे दीजिए। मैं अपनी मेहनत की कमाई यूं ही नहीं छोड़ने वाला। सुनो, अगर तुम्हें बुरा ना लगे, तुम्हें कोई एतराज ना हो, तो क्या मैं अपनी सब्जियां इन्हें दे दूं? ए फकीर, तेरी भीख नहीं चाहिए मुझे। साईं, जो सब्जियां आपको दे दी वो आपकी हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं मुफ्त में इन्हें सब्जियां दे देता हूं। देखा आपने कितने दयालु हैं हमारे साईं। आप इनका अपमान कर रहे थे या आपके हित के बारे में सोच रहे हैं? आपका हित चाह रहे हैं भाऊ। भाई कितना पैसा हुआ? 12 आने। ले लो। आओ। कुछ ना कहो। महालसापति, तुम मेरे सगे भाई नहीं हो, लेकिन मैंने तुम्हें सगा भाई ही माना है। छोटे हो मुझसे, मैं तुम्हारे घर में मेहमान हूं, उसका मान रखते हुए मैंने कभी तुम्हारी पूजा में कमी नहीं निकाली, लेकिन तुमने बड़े भाई का मान नहीं रखा। जब से इस गांव में आया हूं, देख रहा हूं मैं तुम दूसरों का समर्थन करते हो, कभी उन बच्चों का, कभी उस फकीर का, कभी गांव वालों का, और आज तो तुमने उस सब्जी वाले को पैसे दे दिए। क्या जरूरत थी? मालसापति, सवाल यह नहीं है कि मैं पैसे नहीं दे सकता, सवाल सिद्धांतों का है। काकी, सुनंदा, कर लो ठीक। सुनंदा, हे महादेव, ये फिर से बीमार पड़ गई। तुमने दवाई ली थी? दवाई ली थी क्या? पानी ले आओ, पानी ले आओ। जा सुनंदा,
पानी पियो। सुनंदा उठो, आओ आराम से। अब कैसा लग रहा है? जी मैं ठीक हूँ। थोड़ी देर बाद मैं मंदिर खोलने जा रहा हूँ। जाने से पहले मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कल शनिवार है, प्रभु को विशेष भोग लगाने का दिन है, तो कर पाओगी? हाँ हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। नहीं होगा तभी बोलना, ध्यान रहे भगवान के काम में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कल का दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। कल का दिन वो है जब मैं गांव वालों को ये दिखाना चाहता हूँ कि विधि विधान से पूजा कैसे की जाती है। अब तक मैं बहुत उदार बना हुआ था, लेकिन कल मैं ये दिखाऊंगा कि शास्त्रों के साथ कोई समझौता नहीं होता। जी ठीक है। शास्त्र शस्त्र नहीं है, पूजा आडंबर नहीं है, शास्त्र तो मनुष्य के जीवन को दिशा देने के लिए है, मनुष्य के जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर लाने के लिए है शास्त्र, मानव को बेहतर बनाने के लिए है शास्त्र। पर शास्त्र पढ़ के भी अगर समर्पण नहीं सीखा, पूजा करके भी अगर अहंकार का त्याग करना नहीं सीखा, तो फिर क्या सीखा? देवा 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 शिव 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 शिव। पहले मैं भोग के लिए सूजी का हलवा ही बना लेती हूँ। हर हर महादेव। आज शिरडी में मेरा पहला शनिवार है, मगर आज का दिन परीक्षा की भांति प्रतीत हो रहा है। मैं जानती हूँ आज का दिन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं पूरी तरीके से सतर्क थी। मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं, ये देखिए। अरे वाह, शाबाश सुनंदा, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक ना होते हुए भी तुमने बड़ा अच्छा काम किया है। मुझे पूरा विश्वास है भगवान तुम पर जरूर प्रसन्न होंगे। पंडित जी, हम पूजा सामग्री लेने आए हैं। हाँ आइए 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 आइए।
आइए। प्रणाम। प्रणाम पंडित जी। संभल कर ले जाना, इसमें नैवेद्य है भोग के लिए। ले जाओ मंदिर। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन कोई असावधानी नहीं, कोई लापरवाही नहीं। जी पंडित जी, मगर अगर मगर कुछ नहीं। ले जाओ जल्दी, देर हो रही है। कुछ सुनते ही नहीं है पंडित जी। मैं उन्हें कब से बताने की कोशिश कर रहा था कि शनिवार की पूजा के लिए तो आसपास के गांव से भी भक्तजन शिरडी आते हैं। हाँ, ये नैवेद्य कम पड़ेगा सबके लिए। मैं भी यही कहना चाह रहा था उनसे। खैर, पहले ये सामान रख देते हैं, पंडित जी जब आएंगे तो उन्हें तुरंत बता देंगे। ये सही रहेगा। साईं, प्रणाम। साईं, राम जी भला करें। पहचाना मुझे? बहुत दिनों बाद शिरडी आना हुआ वैभव, अच्छा लगा तुम्हें देख के। बहुत तरक्की की है तुमने। जी साईं, आप पहचान गए मुझे। न पहचानने की कोई वजह भी तो नहीं है। हाथ आई नौकरी को इस तीर की तरह समझो और कार्यस्थल को इस धनुष की तरह। अच्छा काम और मेहनत कभी बड़े अधिकारियों की नजर से छुप नहीं सकते। अगर काम करते रहोगे, नौकरी में लगे रहोगे, तो उन्नति के अवसर भी मिलेंगे। अंदर आओ। तुम लोग यहीं रुको। पर क्यों? द्वारका माई सबके लिए बराबर है, ये किसी से भेद नहीं करती। सभी के लिए जगह है यहां पर, तुम दोनों के लिए भी। तुम लोग यहीं रुको। पर क्यों? द्वारका माई सबके लिए बराबर है, ये किसी से भेद नहीं करती। सभी के लिए जगह है यहां पर, तुम दोनों के लिए भी। अंदर आ जाओ। नहीं, हम यही ठीक है। अच्छा ठीक है। साईं, आप सही थे। जिस पद को छोटा समझकर मैं नौकरी नहीं करना चाहता था, उसी छोटे पद के कारण मुझे साहब के करीब रहने का मौका मिला और उन्होंने मेरी क्षमता, मेरी प्रतिभा को पहचाना और जल्दी मुझे एक उच्च पद दिया। उसके बाद मैं तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता गया और आज मैं एक अधिकारी हूं, अफसर। आप ही की कृपा से आज मेरे पास सब कुछ है साईं। शहर में अपना घर है, पैसा है, नाम है, शोहरत है और सरकार से दो नौकर भी मिले हैं। मालिक हमेशा मेहनत का फल देता है। आप ही की कृपा है साईं। बहुत समय से आपसे मिलना चाहता था, आपके बहुत एहसान है मुझ पर काम के चलते वक्त ही नहीं मिला। अब बाकी काम तो मैं इन नौकरों से भी करा सकता हूँ, पर आपसे मिलने तो खुद आना पड़ेगा ना।
वैसे यहाँ आने का एक और भी कारण था साईं, आपसे एक निवेदन करने आया हूँ। वादा कीजिए जो आपसे मांगूंगा वो आप मुझे देंगे। ऐसा क्या मांगने वाले हो? आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वादा तो कीजिए। साईं, मैं आज जो कुछ भी हूं आपके कारण हूं। आपकी बदौलत मुझे इतना सब मिला है, तो बदले में मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहता हूं, कुछ देना चाहता हूं आपको। मुझे पता है आप क्या बोलेंगे, मैं तो ठहरा बैरागी, मुझे क्या चाहिए। कुछ तो काम होगा साईं, आप कहें तो मैं द्वारका माई की मरम्मत करा देता हूं, वरना किसी और के लिए मैं कोई मदद कर दूं, या कोई दान पुण्य का कर्म करूं। कोई तो काम होगा, कोई तो बात होगी साईं, जो मैं आपके लिए कर सकूं। बोलिए ना साईं, आपने वादा किया था। सोच लो, पूरा कर पाओगे? जरूर साईं, मेरे पास इतना पैसा तो है कि मैं आपकी कोई भी इच्छा पूरी कर सकूं। ठीक है, अगर तुम मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो इन मक्खियों को यहां से भगा दो, ये मुझे भी बहुत परेशान करती हैं। भगा दो इन्हें यहां से। बस इतनी सी बात? सुनो। नहीं वैभव, मेरे लिए तुम कुछ करना चाहते थे, तुम्हारी इच्छा थी, इसलिए पूरी भी तुम्हें ही करनी होगी। इन मक्खियों को तुम्हें ही भगाना होगा, वो भी बिना किसी की मदद लिए। जरूर साईं। सुनो, हाथ से चलाने वाला पंखा लेके आओ। जी साहब। मन में साईं के क्या है, कौन जान पाए। जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकटन जाके, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय, बजरंग बली की जय। आप लोग सब कतार में आइए, सबको भोग मिलेगा।
मेरे पास सब कुछ है, आज जो भी हूँ साई की वजह से हूँ, लेकिन लानत है मुझ पर। साई ने एक छोटा सा काम दिया और मैं वो भी पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। उठो वैभव। मुझे माफ कर दीजिए साईं, ने इतना छोटा सा काम मुझे सौंपा और मैं वो भी नहीं कर पाया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ साईं। कोई बात नहीं, आपने मुझे ये मक्खियां भगाने वाला काम क्यों सौंपा? आप जानते थे ना मैं इसमें असफल रहूंगा। तुम्हें जो काम सौंपा था उसके पीछे मेरी ये धारणा बिल्कुल नहीं थी कि तुम असफल हो जाओ या शर्मिंदगी महसूस करो। तो फिर आइए। तुम बोलो। मैं थक गया कोशिश करके, तुम ही बोलो ना। बातचीत करने का समय नहीं है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। पंडित जी। क्या है पंडित जी? पंडित जी बोलो, क्या कहना है? वो भोग कम पड़ जाएगा, लोग आते ही जा रहे हैं और हलवा आधा हो चुका है। महामूर्खों, पहले नहीं बताना चाहिए था। पंडित जी कब से आपको यही बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप बहाने मत बनाओ। अब जल्दी से जाकर मेरी धनपत्नी से कहो कि भोग बनाए। तुम लोगों के कारण मेरा कर्म कांड भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। जाओ। हे देवा, ठहरो, मैं जल्दी कुछ बना के देती हूँ। क्या बनाऊं जल्दी? मैं खिचड़ी बना लेती हूँ, जल्दी हो जाएगी। तुम यही ठहरो। काकी, मैं कुछ मदद कर देती हूँ। नहीं, मैं कर लूंगी यमुना।
कि मैं कुछ मदद करूं? नहीं नहीं यमुना, कैसी परीक्षा ले रहे हो मेरी? अगर किसी एक को भी भोग न दे पाया तो अनर्थ हो जाएगा। मेरे पति की लाज रखिए भोले भंडारी। आमतौर पे लोगों की सोच ये होती है कि अगर उनके पास पैसा है तो उनके पास सब कुछ है, और पैसा आने के साथ साथ ये धारणा और भी गहरी होती जाती है, अहंकार में बदल जाती है। उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब वो असली और सच्ची राह से भटक जाते हैं। सच तो ये है, यह अहंकार कुछ नहीं देता है सिवा तकलीफ के। जो सच्चा ज्ञानी है, जो ईश्वर को सच्चे दिल से मानता है, वो सिर्फ विनम्रता जानता है, क्योंकि जीवन की सफलता, उसकी उपलब्धि सिर्फ विनम्रता में है, सोच में, वाणी में, कर्म में। माफ कर दीजिए साईं, मुझे सच में पता नहीं चला कि कब मुझ में ये अहंकार घर कर गया। अब मैं आपसे वादा करता हूँ, आपकी इस सीख को पाकर मैं पूरी जिंदगी विनम्र बने रहने का प्रयास करूंगा। विनम्रता समझ गए हो तो अब तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो। जिस व्यक्ति को मैं भोग नहीं दे पाऊंगा वो पाटिल होगा, जिसके सामने मैंने कर्मकांड, शास्त्र, पूजा पाठ का महत्व न जाने कितनी बार क्या क्या कहा था, उसके सामने मुझे लज्जित होना पड़ेगा। शिव 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 शिव। मेरी मदद करो। पटेल जी, भोग खत्म हो गया। कोई बात नहीं, हो जाता है। पंडित जी क्षमा कीजिए, मैं जानता हूं मुझे आने में थोड़ी देर हो गई है,
मैं ये खीर भोग के रूप में चढ़ाना चाहता था। भगवान ने मेरी सुन ली। लाइए। धन्यवाद। पाटिल जी, संभालो। क्या मैं समय पे मिल गया? समय भोग लाने के लिए माफ कर दीजिए मुझे। क्या हलवा कम पड़ गया? वो तो भगवान मेरी सेवा से प्रसन्न थे, इसलिए उन्होंने एक भक्त भेज दिया खीर लेकर एन समय पर। अगर मैं तुम्हारे भरोसे रहता ना तो मेरे हाथों से पाप हो जाता, समझी तुम? अपने पूरे जीवन काल में इस तरह का अपमान सहने की परिस्थिति कभी नहीं आई थी जो आज तुम्हारी वजह से आई है। माफ कर दीजिए मुझे, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मेरा अंदाजा गलत निकला। थोड़ा निवेद्य ज्यादा बनाना चाहिए था मुझे भोग के लिए। बच जाता तो चल जाता, लेकिन कम नहीं पड़ना चाहिए था। माफ कर दीजिए मुझे। काकी, आप क्यों खुद को दोषी मान रही हैं? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अब इतने ज्यादा लोग आ जाएंगे तो कोई क्या कर सकता है? और वैसे भी आप दूसरी बार जितना जल्दी भोग बना सकती थी आपने बनाया ना। लेकिन समय पर नहीं ले आ पाई ना। अगर एक भी भक्त को भोग नहीं मिलता तो अपशकुन हो जाता।